अभी बनाना चाहते हैं इल्यूजन फोटो, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है तो फ्रेंड आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप इल्यूजन वाला फोटो बना सकते हैं, उसको बनाने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फ्रेंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हमारे चैनल पर बहुत दिन के बाद अपलोड वीडियो किए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। आपको मेरे चैनल पर हमेशा वीडियो देखने को मिलेगा फ्रेंड, जो कि 2-3 महीने से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, मोबाइल का डाटा ऑन कर लेना। डाटा ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउजर होगा, उस क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद अब आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउजर अगर होगा पहले वाला, तो उसको क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद ही आप कुछ कर पाइएगा, तो अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पर चलिए इस तरह से क्रोम ब्राउजर मेरा आ चुका है। उसके बाद यहाँ सर्च बार पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हगिंग और यहाँ पर हगिंग फेस लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हगिंग फेस आ चुका है, यहाँ पर ये वेबसाइट खुल के आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ चुका है। आने के बाद यहाँ पे ये जो भी चीज़ होता है यहाँ पे एआई के थ्रू होता है, एआई के थ्रू ही आपका फोटो जनरेट होता है, जो भी जिस तरह से बनाना चाहे उस तरह के बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ चुका। आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना, इस तरह से 3-4 अलग अलग मिल जाता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने फ़ोटो को एडिट करना है। इल्यूजन वाला फोटो आपको क्लिच बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में सबसे ऊपर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड आपका वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे मतलब ग्लिच रहता है यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से आ चुका है। आने के बाद यहाँ पर इस तरह से देखिए आ चुका है इंटरफेस। इस तरह से आपको यहाँ पर फुल प्रोसेस के साथ आपको बताएंगे कैसे आप न्यू ट्रेनिंग जो फोटो एडिट हो रहा है उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ वीडियो कंप्लीट देखते रहते हो फ्रेंड, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे ड्रॉप इमेज हेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चले ब्राउज पर क्लिक करना है और अपने फाइल में चले जाना है। और अपने फाइल से आपको क्या करना है, अपने फाइल से आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड कर लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स या जो गर्ल वाला फोटो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए इस पर हम क्लिक कर लिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 0.8 दिया, इसको क्या करेंगे यहाँ पे कट करके यहाँ पे 1 कर देना है। 1 कर दिए। 1 करने के बाद यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करके चले जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लो क्वालिटी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कर देना है HIGH हाई क्वालिटी। यहाँ पर हाई क्वालिटी कर दिए फ्रेंड, यहाँ पर इतना वो क्या फ्रेंड, आप इतना अच्छी समझ गए। उसके बाद अब आपको फ़ोटो चाहिए कैसा, तो आप जैसा फ़ोटो चाहते हैं वैसा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम चलिए लिखते हैं सन लाइट, तो यहाँ पे सन लाइट विलेज और यहाँ पे चलिए विलेज लिखते हैं और ट्री, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिए। आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा जहाँ के आप फोटो चाहते हो वैसा आप बना यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इतना चीज़ कर दिए यहाँ पर टाइप। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे रन पे क्लिक कर देना। यहाँ पर रन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए रन पर हम क्लिक कर दिए। यहाँ पर देखिए टाइमिंग यहाँ पर ले रहा है, तो यहाँ पर वार्निंग है, यहाँ पर अगर आपका एक बार में फोटो नहीं बनता है तो 2-3 बार ट्राई करिएगा, आपको फोटो बनकर तैयार हो जाएगा। जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोडेड यहाँ पर इमेज यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसे इसको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए लोडेड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड टाइमिंग लगता है फ्रेंड यहाँ पे, और आपका फोटो बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर फोटो लोड हो रहा है और यहाँ पर टाइमिंग सेकंड चल रहा है। तो चलिए यहाँ वेट कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इस तरह से फोटो बन के आ चुका है फ्रेंड यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर देखिए हल्का सा आँख बंद करके देखिएगा तो आपका फोटो एकदम दिखाई देगा। तो यहाँ पर चलिए फोटो यहाँ पर डाउनलोड का आइकन दिया, इस पर क्लिक करके यहाँ पर फोटो कर लेंगे। डाउनलोड पर क्लिक कर दिए फ्रेंड, इस तरह देखिए हो चुका है और यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या करना है, यहाँ पे चलिए इसको कट करते हैं और दूसरा इमेज को अपलोड करते हैं। यहाँ पे फिर से ड्रॉप इमेज पे क्लिक किए और यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे विराट कोहली का एक इमेज है, चलिए इसका भी लेते हैं। और यहाँ पे इस जो भी चीज़ें यहाँ पर फंक्शन इसी तरह से रहने देना है, यहाँ पे एडवांस है, इसको भी कुछ अच्छा नहीं करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर है तो चलिए यहाँ पे सनलाइट को हटा के ब्लेड ट्री पर क्लिक कर दिए।
और सिर्फ इतना ही रहने देते हैं यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या करना है, रन पे क्लिक कर देना है। रन पर जैसे ही क्लिक करिएगा कुछ सेकंड यहाँ पर फिर से टाइमिंग लेगा, उसके बाद आपका जो इमेज है यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लोडेड हो रहा है, यहाँ पर इमेज आप देखते हैं यहाँ पर लोडेड हो रहा है, कुछ सेकंड यहाँ वेट कर लीजिएगा और आपका इमेज बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसी तरह से जितना चाहे उतना इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर आ गया। तो वो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर एरर यहाँ पर दिखा रहा है, तो फिर से आपको क्या करना है, रन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर एरर दिखा रहा है, तो यहाँ पर रन पर जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर, तो फ्रेंड यहाँ पर जितना बार क्लिक करेगा वो उतना बार आप में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर क्या चीज़ लिखे हैं, यहाँ पर माउंटेन ट्री लिखे हैं और यहाँ विराट कोहली के इमेज है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नीचे में किस तरह आ चुका है, और अपना हल्का से आँख बंद करके खोल के देखिएगा तो आपको विराट कोहली के यहाँ पर इस इमेज में आपको चेहरा दिखाई देगा। तो आप इस तरह से जैसा चाहे वैसा इमेज बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट में आपको टाइप करना है और उस तरह का इमेज आपके सामने जनरेट हो जाएगा। उसके जनरेट होने के बाद इस इमेज को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड अगेन में क्लिक करिएगा तो आपके फ़ोन में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए इमेज को ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर पूरा HD क्वालिटी में जो कि इमेज आपके फ़ोन में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, और आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो को साथ मिलते हैं। तो टेक केयर फ्रेंड, बाय।